वायर हो चुके हैं, तीनों चीजें अलग मशीन यानी पार्ट नहीं रहे। ठीक, बहुत अच्छा। अब फाइनली अब मैं आपको कुछ सेक्टर्स लिखवा रहा हूँ जिन सेक्टर्स में काफी इस समय ग्रोथ है 2022 के सेक्टर, ये सब सेक्टर लिख भी ले। अगर आपको दिक्कत हो करियर में तो आप इस सेक्टर का यूज करें, या अपने परिचितों को रिश्तेदारों को आप ये सेक्टर जरूर बताएं जो खास करके ज्यादा इस समय स्ट्रगल में है। पहला सेक्टर लिखिएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे अच्छा सेक्टर है, कोई भी एक लैंग्वेज कॉपी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, ये पैकेज काफी अच्छा है और नेवर ग्रोइंग एंडिंग सेक्टर, ये नेवर एंडिंग सेक्टर है, जो इतना ज्यादा है कि आप समझ सकते हैं। दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, अगर आपको नौकरी की कमी समझ में आ रही है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर यानी एंड्रॉइड में आप आ जाइए, जबरदस्त पैसा। और ऐप कितने बन रहे आप देखिए, आज ऐप एक बिजनेस बन गया, कईयों का ऐप बना बना के कई लोग चलाते। तीसरा सिक्योरिटी मैनेजर्स, जो साइबर सिक्योरिटी की बात अभी हो रही थी, आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स और पैकेज काफी अच्छे हैं, बड़ी सिटियों में हालांकि है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये आपको इतना ग्रोथ दे सकता है कि इसका कोई अंत नहीं है। चौथा लिखिएगा डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर आप किसी कंपनी का डेटा मैनेज कर लीजिए, सरकारी संस्था का डेटा मैनेज कर लीजिए, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ओरेकल के जो एग्जाम्स होते हैं वो डेटाबेस मैनेजर के एग्जाम्स ही है, ओरेकल के सालाना एग्जाम्स रहते हैं, कई लोग तैयारी करते हैं, इसमें बहुत अच्छा पैकेज है। पांच बार डेटा सिक्योरिटी एनालिस्ट। डेटा सिक्योरिटी एनालिस्ट का मतलब जो डेटा की सिक्योरिटी को कैसे बनाया जाए उसको तैयार करता है, उसको एनालाइज करता है। सिक्स्थ आपका है एआई इंजीनियर। एआई इंजीनियर डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोप है, पाइथन जब से आया है एआई इंजीनियर्स के समझ लीजिए चार चांद लग गए इस समय, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में आसान है और बहुत जबरदस्त ग्रोथ इसका एआई का दिख रहा है इस समय। हर बड़ी देश बड़े देश जो है वो अच्छा खासा इंजीनियर को सैलरी दे रहे हैं एआई के लिए, और अब ये ट्रेंडिंग जो मीडियम देख कर दी, जैसे हमारे भारत है मीडियम कंट्रीज में, इनमें भी एआई काफी अब ट्रेंडिंग हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर वेबसाइट डेवलपर्स वो भी फुल स्टैक कैटेगरी के अच्छे बड़े मांगे जा रहे हैं, कुछ नहीं तो 6 महीने की फुल स्टैक ट्रेनिंग करके आप निकल जाए लग जाएंगे आप, अच्छी खासी सैलरी आपके पास है और रेगुलर जॉब है इनकी। संडे तक तो आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में हजारों जॉब करोड़ों जॉब निकल ही रही है, क्योंकि सेक्टर में बहुत काम है, लोग काम करने में कम पड़ रहे हैं, जॉब्स आ रही है। नेक्स्ट क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट में भी काफी काम है। जो लोग क्लाउड इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर सर्वर्स में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम है। नेक्स्ट देखिएगा लाइनक्स एंड विंडोज सर्वर मैनेजर्स। लाइनक्स और सर्वर के विंडोज मैनेजर्स की बहुत पोस्टें खाली रहती है, लगातार सर्वर हैंडल करने के लिए हम इंजीनियर चाहिए, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, आप एस्टिमेट भी नहीं कर सकते सर्वर बनाने वाले की सैलरी कितनी होती है। नेक्स्ट आप लिखिएगा डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर ये एक नया पोस्ट आजकल डेवलप हो रहा है, जिसमें आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कोई स्पेशल पैकेज का यूज करते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर है। नेक्स्ट ब्लॉकचेन इंजीनियर। ब्लॉकचेन इंजीनियर इस समय काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट बिग डेटा इंजीनियर, और ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े डेटा को मैनेज करने वाले इंजीनियर्स होते हैं बिग डेटा इंजीनियर्स। नेक्स्ट आईओटी, आईओटी इंजीनियर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हम डिवाइस को सारे घर के आपके जो डिवाइस है उनको स्विच बोर्ड से ना कनेक्ट करके अपने मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे मोबाइल से हम सारे डिवाइस को चला सकें कहीं भी बैठकर, जरूरी नहीं कि आप घर के सामने बैठ के पंखा चला रहे, एनी वेयर आप प्लेन से भी चला सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी पे भी विकास चल रहा है। नेक्स्ट डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट डेटा को निकालने का काम इनका रहता है, डेटा साइंटिस्ट। और सबसे लास्ट में 15th पॉइंट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स लिखिएगा, इनका एक बात अलग ही आजकल लिखा होगा, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकर्स। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकर्स की भी काफी इस समय जॉब्स में डिमांड्स है। नौकरी आप चाहे तो naukri.com monster.com कहीं भी अगर आप देखें तो आप पाएंगे इतने ज्यादा जॉब्स है, इतनी पैकेजेस है, इतनी फैसिलिटीज इतनी आपको कंपनियां दे रही है कि आप कोई सरकारी की फैसिलिटीज फेल है इनके सामने। और ये भी है कि पहले कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा, पेंशन तो सरकार ने बंद कर दी है, वहां पे आपको इतना पैकेज हैवी मिल जाता है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास खुद ही करोड़ों वर्गों के तो बैंक बैलेंस हो जाता है। अब जहां पे पर मंथ अगर इंसान को 10-12 लाख के पैकेज मिल रहे हैं
इतना तक करने के साथ पहुंच जाता है, तो आपको आफ्टर रिटायरमेंट में भी पेंशन और सब स्कीम वहां भी है, और इतना बैंक बैलेंस आप रख लेंगे अपने पास कि आपको रिटायरमेंट के बाद बड़ी बड़ी मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ आप ले सकते हैं। जिनको विदेश घूमना है, अपने परिवार को एक अच्छा कल देना है, अपने लिए बैंक बैलेंस चाहिए, नाम शोहरत भी चाहिए, और इंसान बन गया तो दुनिया के सारे मजे करना चाहते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हमें मरते तो लगे कि हमने नहीं किया। तो आपको ध्यान रखना कि सेक्टर्स में आईटी सेक्टर्स एक अच्छा इस समय ऑप्शन बन रहा है, इसलिए ये चर्चा आपसे रखी गई है।